हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, मेरे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर ने बोला कि जय भीम का, सूर्या स्टारर का आपने अभी तक रिव्यू नहीं दिया है और उनकी नई मूवी आ रही है जय भीम, जो कि हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा के अंदर आएगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। तो आज का ये मुद्दा रहेगा कि ये मूवी कैसी है, क्या हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या इसके अंदर कोर्टरूम ड्रामा के अलावा और कुछ और भी है अगर आपने ट्रेलर देखा है तो, और साथ ही साथ में ये कब रिलीज़ होने वाली है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जब ये मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि शायद आदिवासियों की एक ऐसी पहचान की प्रॉब्लम है जो ये मसीहा बनके सूर्या सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर प्रकाश राज का भी बहुत ही इंप्रेसिव सा रोल लग रहा है इस पुलिस इंस्पेक्टर, और ये जो कोर्टरूम ड्रामा है काफ़ी सारी दलीलें देगा प्रो एंड अगेंस्ट द आदिवासी पीपल, और उन आदिवासी पीपल की जो पहचान मिसिंग है क्या उनको इवेंचुअली मिलती है कि नहीं मिलती है इन द राइट वे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने नोटिस किया होगा मैंने वर्ड यूज़ किया है राइट वे, मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इससे पहले हमने पवन कल्याण की एक मूवी देखी थी दोस्तों, और उस मूवी के अंदर भी कोर्टरूम ड्रामा था। वो पिंक ऑफिशियल रीमेक था वकील साहब, और वहाँ पर हमने फिस्ट पावर, दिमाग पावर और कोर्टरूम ड्रामा सब कुछ एक साथ देखा था। यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली हम फिस्ट पावर तो नहीं देखेंगे, दिमाग की पावर और एट द सेम टाइम जो ट्विस्ट होंगे, मैनिपुलेशन होंगी, हम वो देखेंगे और कोर्टरूम ड्रामा देखेंगे। तो काफ़ी इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। गुड टू सी कि कोई मूवी जिसके अंदर सूर्या हैं, जिनको हर तरीके की एक्टिंग आती है, वो एक्शन भी कर सकते हैं, उनको एक्शन में ना घुसा के स्टोरी को रियल रखा गया है, जो कि 1990s में स्थित है, जब आइडेंटिटी ऑफ फ्यू पीपल वर स्टिल नॉट रिकग्नाइज, उनके कागज भी नहीं थे। तो ये रियल है और रियल तरीके से इसको डिलीवर किया जाएगा। जो लोग थोड़ा सीरियस ड्रामा देखने को पसंद करते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, सूर्या के फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बियॉन्ड दैट शायद ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो बहुत फास्ट पेस मूवीज़ देखते हैं, एक्शन ओरिएंटेड देखते हैं, थ्रिलर्स देखते हैं, शायद उनको इतनी ज़्यादा पसंद शायद नहीं आएगी, ऐसा ट्रेलर से लग रहा है। और जो हिंदी डायलॉग्स हैं जो मैंने इसके अभी सुने हैं वो ठीक हैं, अच्छे हैं, और स्पेसिफिकली जो डायलॉग्स जो काउंटर पार्ट ऑफ ये सूर्या दे रहे हैं, पता नहीं उनका नाम क्या है, बट जो भी उनके काउंटर पार्ट है जो वकील बने हुए हैं, उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, और उसको काउंटर करने के लिए सूर्या के डायलॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। अभी आएगी कब ये दोस्तों? अमेजॉन प्राइम वीडियो पे सारी लैंग्वेजेस एक साथ आएंगी, और ये आएगी 2nd of November को। तो मार्क द डेट, जितने भी सूर्या फैंस हैं, मैं तो हूँ, और इनकी मूवी मैं तब से देख रहा हूँ जब गजनी से ये लाइमलाइट में आए थे, एटलीस्ट हिंदी ऑडियंस के बीच में, और उसके बाद इनका मैंने सूर्याराय पोत्रू देखा, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी थी। और उसके बाद उस मूवी का नाम उड़ान रखा गया था जब उसका हिंदी डब वर्जन आया था, तो ये भी हिंदी डब वर्जन पहले से ही आ रहा है, तो गुड न्यूज़ फॉर अस, सारी लैंग्वेजेस में एक साथ ही देखेंगे। और अच्छी बात है कि हिंदी लैंग्वेज में डब होकर पहले ही आ रहा है, तो उसका मतलब इसका रीमेक नहीं बनेगा, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर अस, रीमेक से परेशान हो गए हैं यार। तो ओवरऑल बेसिस मैं बोलूँगा इट्स अ गुड ट्रेलर, BA+ फॉर अ वेरी स्पेसिफिक ऑडियंस, नॉट फॉर एवरीबडी। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ, बने रहो और सब्सक्राइब करते रहो। बाय बाय।